गाइस आज के वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि हमारे गेम लूप के अंदर हम लोग कैसे सेटिंग करें ताकि हमारा जो गेम लूप है वो लो एंड पीसी के अंदर एकदम कमाल का परफॉर्म करे, ठीक है। और ये जो वीडियो है मैं पर्सनली यहाँ पे 100 से ज्यादा वीडियोस देख करके ऑब्जर्व करके बना रहा हूँ, तो डेफिनेटली इससे आपका लैग 100% फिक्स हो जाएगा। बस आपको एंड तक ये सेटिंग फॉलो करने की जरूरत है, और उससे भी ज्यादा जरूरत आपको पता है क्या चीज की है, चैनल को सब्सक्राइब करने की, तो जल्दी से कर लो, ठीक है। और हमारा गेम लूप यहाँ पे लोड लगभग हो ही चुका है, तो इसको लोड हो जाने देते हैं, ठीक है। तो गाइस हमारे यहाँ पे गेम लूप यहाँ पे लोड हो चुका है, तो आप लोगों को यहाँ पे सिंपली ऊपर 3 डॉट का ये ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पे जाना है। लेकिन रुको, पहले मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। यहाँ पे 3 डॉट वाले पे क्लिक करके सेटिंग पे चले जाना है, ये देखो सेटिंग्स, इस पे चले जाना है, ठीक है। और ये सेटिंग में आ चुका है ये वाला पार्ट। अब देखो यहाँ पे क्या क्या आपको करना है और क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे ऑटो रन स्टार्टअप का, इसको आपको डिसेबल रखना है, ठीक है। और हाइड एडवांस वाटरमार्क जो है इसको इनेबल रखना है, ठीक है। और इसके बाद बेस्ट फिक्स्ड विंडो रेशियो इसको इनेबल रख देना, और ये देखो ऑटो डाउनलोड रिजर्व गेम इसको डिसेबल रखना है, ठीक है। उसके बाद बॉस की भी डिसेबल रखना है, और यहाँ पे शॉर्टकट देख लो कुछ भी नहीं, यहाँ पे जो भी है बाय डिफॉल्ट वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रहने देना है। उसके बाद आपको इंजन में आना है, ठीक है। इंजन में आपको ओपन जीएल प्लस रखना है, डायरेक्ट एक्स नहीं रखना है। डायरेक्ट एक्स उस पीसी के लिए होता है जिसके अंदर बहुत अच्छा डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड होता है, और डायरेक्ट एक्स उसमें काफी अच्छे से यहाँ पे वीसिंग करके चलाता है। बट आपको ओपन जीएल प्लस रखना है, या फिर अगर ओपन जीएल पर दिक्कत हो रही है तो ऑटो रख सकते हो, ठीक है। बट मैं रिकमेंड करता हूँ ओपन जीएल प्लस, ठीक है। इनेबल रेंडरिंग कैशे को इनेबल रखना है, फोर्स ग्लोबल रेंडरिंग कैशे को डिसेबल, प्रायोरिटाइज यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड है तो अगर आपके पीसी में ग्राफिक्स कार्ड है तो इसको इनेबल रख लेना है। जैसे मेरे में 3050 है तो मैं इनेबल रखता हूँ, ठीक है। अगर नहीं है तो इसको डिसेबल कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनेबल डिसेबल से अगर नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद इनेबल रेंडरिंग ऑप्टिमाइजेशन, इसको इनेबल रखना है। और इनेबल वर्टिकल सिंक जो है ना, वर्टिकल सिंक इसमें देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंक एफपीएस एंड डिस्प्ले रिफ्रेश रेट टू अवॉइड स्क्रीन टियरिंग, यहाँ पे स्क्रीन को फटने से ये बचाता है, तो इसको तुम इनेबल कर सकते हो, बट ये तुम्हारा लैग को भी इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर तुम्हारा 1GB, 2GB, 4GB रैम वाला पीसी है तो इसको डिसेबल रखना, अदरवाइज आप इसको इनेबल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी नीचे वाले दोनों ऑप्शन को यहाँ डिसेबल रखना है। एंटी एनालिसिंग को हमेशा ऑफ पे रखना है, कभी भी ऑन नहीं करना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पे सिंपली मेमोरी में आपका अगर 4GB रैम का पीसी है तो आप यहाँ पे 4096 सेलेक्ट करना, जितना जीबी रैम का उतना जीबी सेलेक्ट करना। मेरा यहाँ पे 8GB मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ क्योंकि मेरा पीसी 16GB रैम का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना मैक्सिमम जो भी रैम है उसको सिलेक्ट करना है, मैक्सिमम रैम सिलेक्ट करना है, नोट जो भी सो रहा है, ठीक है। प्रोसेसर में यहाँ पे आपको 4 कोर मिनिमम और 8 कोर मैक्सिमम यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उससे ना ज्यादा ना उससे कम, ठीक है। 2 कोर या वो सब करने के लिए जो बोलते हैं वो गलत है, आप में मैक्सिमम जो प्रोसेसर शो कर रहा है उस पर सिलेक्ट कर लो। रेजोल्यूशन को यहाँ पे 1920x1080 कर लो, या फिर यहाँ पे 1280x720 कर सकते हो, जिनका लो एंड पीसी है और जिनका थोड़ा ज्यादा ही पुराना पीसी है वो यहाँ पे 720p में खेलोगे, बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा। अदरवाइज अगर आईपैड व्यू खेलना है तो ये 1600x900 वाले पे कर सकते हो। अदरवाइज मेरे जैसे अगर नॉर्मल मिड रेंज पीसी और अच्छा पीसी है, मतलब थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे 1920x1080 पे परफेक्ट चलने वाला है, ठीक है। स्क्रीन के डीपीआई को आपको यहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, 240 ही रखना है, और बाकी यहाँ पे जैसे बाय डिफॉल्ट वैसे छोड़ देना है। अब आ जाता है नेक्स्ट सेटिंग, हमारा मॉडल का सेटिंग। तो देखो मॉडल में यहाँ पे मैंने कौन सा रख रखा है, सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा, तो ऐसे आपको किसी भी मॉडल पे नहीं रखना है, ठीक है। ऐसे आपको किसी भी मॉडल पे नहीं रखना है, आपको यहाँ पे 1 की कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है ना, उस पर सिंगल क्लिक करना है और आपका जो भी फोन आ जाए आपको वो फोन रख लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, काफी सारे लोग यहाँ पे जाकर के फोन का मॉडल डाल के कुछ भी चेंज कर लेते हैं, ये नहीं करना है, ठीक है। और इसके बाद सिंपली आपको गेम पे आना है, और गेम पे देखो यहाँ पे SD है, HD है और FHD 2K है, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ पे लो एंड पीसी है तो HD 720p रखना है स्टैंडर्ड डेफिनेशन, अगर थोड़ा अच्छा पीसी है तो HD रखना है, 2K पे नहीं रखना है, लैग होने लगता है, पहले ही बता रहा हूँ। जिसका बहुत अच्छा पीसी है वही इस पर रखना, और यहाँ लिखा भी है GTX 1060 या फिर RTX अगर 2080 है उससे ऊपर है तभी इस पर रखना, अदरवाइज नहीं रखना, ठीक है। ग्राफिक्स क्वालिटी को आपको यहाँ पे स्मूथ रखना है हमेशा, और FPS को 90 रखना है, ठीक है। और बस यही सेटिंग अगर आप लोग करते हो अपने गेम लूप के अंदर, डेफिनेटली आपका यहाँ पे गेम जो है वो मक्खन चलने वाला है। मैंने हर एक सेटिंग को आपको डेडिकेटेड वे में बता दिया है, और आपको बस ये सेटिंग फॉलो करना है, और देखना चाहिए आपका लैग जो 100% फिक्स हो जाएगा और FPS भी आपके बूस्ट हो जाएंगे। तो होपफुली ये वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी, अगर हेल्प की तो प्लीज से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।